मैं जो है ना चटनी वगैरह भूल गई। तुम्हारा बर्गर तैयार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से ठीक ठाक। और आज हम अपने नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और जो है आज जो है, क्योंकि असाद जो है ये रहे, ये कल इन्होंने ट्यूशन में पार्टी की थी तो एक नई चीज़ लेके आए थे वहाँ पे, चिप्स। जब क्या लाए थे, चिप्स, तो इन्होंने वहाँ पे खाई चिप्स वगैरह मंगा के। तो आज इनकी मम्मा ने बोला कि भाई हम भी खाएंगे, तो फिर मैं अभी जाके लेके आया हूँ और आपको दिखाते हैं अभी। जी दोस्तों देखे, ये है चिप्स जो असाद चिप्स है, और ये कल असाद लेकर आए थे तो ये बहुत ही मजे की थी, तो मैंने कहा हम भी ट्राई करेंगे। तो अभी हमने मंगाई थी, ये लेकर आए, तो इस तरह के बॉक्सेस में मिली है। वाह, देखने में तो अच्छी लग रही है, देखने में भी, देखते हैं हम खोल के। ये देखें दोस्तों, मैं जो है इन्होंने चटनी वगैरह सब लगा के दिए। और इसके बाद एक नई चीज़ और बनाएंगी अभी यास्मीन घर में ही, उसकी तैयारी चल रही है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो बाद में दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी हम पहले चिप्स जो है खाते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यास्मीन आज एक स्पेशल डिश बना रही है, तो जो है मैं आपको दिखाता हूँ वो डिश क्या है। देखें, आज यास्मीन ने बनाया है ये सब कुछ, और इसके साथ जो है स्पेशल है ये है बर्गर। ये बने हैं अभी तो फिलहाल, बने तो इसके बनेंगे, इसके बर्गर बनेंगे कबाब में, बना चुकी हूँ, ये रखिए कबाब। अब बस बर्गर बनाना शुरू करूँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है बर्गर। अब मैं इसको सेक रही हूँ बन को, और हल्का हल्का सा सेकूंगी। उसके बाद जो है कबाब मैंने अभी अभी तले हैं, यानी फ्राई करके रखे हैं अभी अभी, और उसके बाद जो है ना मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। कबाब लेके उसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे ताकि कबाब भी गर्म हो जाएगा। ये मैंने जो है कबाब को तोड़ के रख दिया है इसके ऊपर, अब मैं ये सब चीजें लगा दूंगी। अच्छा ज्यादा चटनी डालो बेटा या कम डालो? मैं चटनी नहीं डालो, चटनी नहीं, थोड़ी सी चटनी तो तेज चटनी नहीं डालेगी तो जायका नहीं आएगा। बस हल्की हल्की लगा, हल्की हल्की सी लगा देती, रायता भी। ये तो ज्यादा डाल दो ना, रायता तो फुल चाहिए इसका, रायता और प्याज, रायता और प्याज का दीवाना है हमारा मुन्ना है। भाई बताओ इधर, प्याज अच्छी लगती है? प्याज और रायता अच्छा लगता है मेरे साथ को। और ये देखें प्याज, केचप, केचप डाला अभी, केचप भूल गई मैं, लो केचप भी डालना भूल गई प्याज में। ये बन गया, अब खीरा डालेंगे। टमाटर मैं नहीं खाता। खीरा डालेंगे भाई, डालेंगे या खीरा डालेंगे? मैं टमाटर नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। चलो जी, तुम्हारा बर्गर तैयार है। अंडा लगा दूँ सर? नहीं, दो पीस करके दे दो। ये रायता निकल गया और ये बर्गर तैयार। चलो अब खा के बताओ फिर कैसा बना है। मैं बना दूंगा, यही खा के एक बाइट बताता हूं। मैं रखूं इधर, उस पे बैठ जाओ, गोद में रख ले। हां भाई, मज़े का है। अब बार बार खाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों देखें, मैं तो बर्गर कम ही खाता हूँ, क्योंकि मैं जो है अपना लिए एक स्पेशल डिश बना रहा हूँ, और मैं खाऊंगा रोटी से कबाब, क्योंकि ज़्यादा बर्गर वगैरह जो है ना मेरे को सही नहीं लगते, पेट भी नहीं भरता ज़्यादा, तो मैं रोटी वगैरह खा लेता हूँ। बर्गर एक खाता जरूर, क्योंकि चखूँगा नहीं क्या? छोड़ता नहीं मैं, छोड़ूंगा क्यों भाई, इतने मज़े का बर्गर बन रहा है तो छोड़ूंगा।
ये देखें यास्मीन ने दूसरा बर्गर बनाना शुरू कर दिया मेरे लिए। ये कबाब मैंने अभी अभी ताजे तले हैं, बिल्कुल ताजा सब कुछ बनाया है, लेकिन जो है ना सर्दी की वजह से बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है सब, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कबाब और गर्म कर लेती। चलो मैं ये लेके जाऊँ फिर। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? और आज पीर का दिन, तो आज मैं पूरे दिन बिजी था क्योंकि जो है मुझे जो एक काम से लगना पड़ा, क्योंकि हम करवा रहे हैं घर में काम कल से। और जो है ये देखें कमरा है पीछे मेरा जहाँ पर ड्रेसिंग लगी हुई है, इसको जो है यहाँ से दीवार निकाल के आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। और ये देखें ग्रिल वगैरह लेके आया हूँ मैं, ये ग्रिल लगेगी तो पीछे यानी कि डक बनेगी और स्लिप वगैरह लगेंगे आधी जगह पे, आधी जगह पे ये डक बन जाएगी। तो जब ये जगह बनेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है किस तरीके से जगह बनानी है, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह 8 बजे से उठाऊँ इन मिस्त्री के चक्कर में। और मिस्त्री अरेंज किए, सामान वगैरह लाया, बजरी भी आ चुकी है बाहर, बजरी है, सुबह ब्लॉक वगैरह आ जाएंगे। और असाद साहब ये रहे, असाद। और बस अब जो है हम चाय पियेंगे, यास्मीन बना रही है चाय, उसके बाद मैं सोऊंगा क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है 7 बजे, क्योंकि 8 बजे जो है मिस्त्री आ जाएगा। फिर देखते हैं काम शुरू करवाते हैं अल्लाह मालिक है। और जो है फिर जैसे भी काम की पोजीशन होगी आपको भी दिखाता रहूँगा मैं साथ साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बजरी आ गई थी और लोग भी सुबह सुबह आ गए थे, फिर गली में रखवा दिए थे हम। अच्छा दोस्तों देखें, मैंने आपको बताया था ना कि जो है कल से काम शुरू हो जाएगा, तो मिस्त्री लोग आ चुके हैं, उन्होंने दरवाज़ा निकाल दिया यहाँ से और आपको दिखाता हूँ। और असाद जो है सो रहा था, असाद ने कहा था कि भाई रात को जो है के सोए थे कि कुछ भी ठोकते रहो या पीटते रहो मैं उठूँगा नहीं, जितना भी शोर हो जाए। वह देखें बेखबर सो रहे हैं जबकि इतना अभी काम हो चुका है। मेरा मिस्त्री लोग बैठे हैं, काम यहाँ पे हो रहा है देखो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि अब जो है गली ऊंची हो गई है तो अपना गेट भी ऊंचा करवा दिया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने न्यू गेट मंगा लिया था, ये खड़ा हुआ। हाँ सर क्या हो रहा है? और यहाँ पे हम लोगों ने बनवा लिया था छोटा सा स्टोर जो बन रहा था, और यहाँ पे हमने पिलर खड़े करवा दिए थे, और यहीं पर ही जो है मिस्त्री ऊपर चढ़े हुए थे, वो दीवार बना रहे थे। अच्छा दोस्तों देखें दरवाज़ा लग चुका है, और ये जो है इन्होंने अभी दरवाज़ा फंसा है, कल इसको पक्का कर देंगे। दो दो इंजीनियर लगे हुए ना, असल में तुम भी इंजीनियर हो। चाय दोबारा तुम्हारे को चाहिए? मोहब्बत में तूने बोला खुश कर दे दरवाजा लगा दे। हाँ तो काबू रखना इधर से उधर। अगर हम खड़ा तेरी वीडियो ये देख इधर आप आ रहा ना एक मिनट। हाँ भाई क्या मसला? इतना दूर करीब करो ना, थोड़ा ये टेपर बनेगा ना, करीब क्या करेंगे, थोड़ा करीब कर लो ताकि ये ना पाइप हमारा ज़्यादा सारा दीवार में दब जाए। हाँ ऐसे दीवार से मिला के लेके चलो। सो फ्रेंड्स काम तो अभी चल रहा है, और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अभी इजाज़त। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।